विकासखंड जोगिया के प्रांगण में चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। ग्राम रोजगार सेवा पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसकी अध्यक्षता संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने किया था। संचालन ब्लॉक मंत्री आलोक रंजन ने किया। वहीं संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने कहा कि 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया था अभी तक लागू नहीं किया गया, जो कि बहुत निंदनीय है। प्रदेश के नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि 20 दिसंबर 2021 से सभी ब्लॉकों पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। खंड विकास अधिकारी द्वारा 24 दिसंबर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो 27 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिले व मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन के जिला उपाध्यक्ष विश्वजीत भास्कर ने कहा कि सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों के साथ छल किया है, यदि मांगे नहीं मानी गई तो महा आंदोलन व ब्लॉकों में तालाबंदी करने का कार्य किया जाएगा। बैठक में मनोज कुमार, सतीश चंद्र, अनिल कुमार, जनार्दन चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। इंडिया 24 सावन लाइव टीवी के लिए देखिए रवि जायसवाल की रिपोर्ट। रोजगार सेवकों का धरने का तीसरा दिन, आप देख सकते हैं चौथा दिन जोगिया ब्लॉक के अंतर्गत चल रहा है। उसको आप देख सकते हैं ब्लॉक मुख्यालय जोगिया पर लोग बैठे हुए हैं। आज अध्यक्ष जी पुनः आप अभी धरने पर ही हैं। हाँ, आज हमारा धरने का चौथा दिन है और हम लोग इसी तरह से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा किए थे अधिकारियों द्वारा जो है पूरा नहीं किया जा रहा है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं हम लोग धरने पर अनवरत चलते रहेंगे। तो अध्यक्ष जी कब तक मैं आप लोग धरने पर रहेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती है तो हम तत्काल धरना समाप्त कर सकते हैं, और मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लोग अनवरत अनिश्चितकालीन पे धरने पर जाएंगे। और आज हम लोग ब्लॉक पे हैं और 25 तारीख से हम लोग जिले पर बैठेंगे। 25 तारीख से आप लोग जिले पर बैठेंगे, ठीक है। नारा लगवा दीजिए, ग्राम रोजगार सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्राम रोजगार सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो पूरी हो पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो पूरी हो पूरी हो।